उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम शनिवार शाम को घोषित हुआ और एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को विजयी घोषित किया गया। जगदीप धनखड़ भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को बड़े अंतर से उपराष्ट्रपति चुनाव में मात दी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मार्गरेट अल्वा ने हार का ठीकरा विपक्षी दलों पर फोड़ा। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने भी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने एनडीए के विजयी उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत की बधाई दी। हार के बाद मार्गरेट अल्वा ने कहा कि चुनाव संपन्न हो गया है। हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और संसद की गरिमा बहाल करने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इसके बाद उन्होंने विपक्ष के सभी नेताओं और इस चुनाव में उनको वोट देने वाले सभी पार्टियों के सांसदों का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव विपक्ष के लिए एक साथ काम करने, अतीत की बातों को पीछे छोड़ने और एक दूसरे के बीच भरोसा बनाने का मौका है। बीजेपी का प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर समर्थन करके कुछ पार्टियां और उनके नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। मार्गरेट अल्वा ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ विपक्षी पार्टियों ने एकजुट विपक्ष के विचार को पटरी से उतारने की कोशिश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का समर्थन करना चुना। मैं मानती हूं कि ऐसा करके इन पार्टियों और उनके नेताओं ने अपनी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 780 मतदाताओं में से महज 725 ने मतदान किया। काउंटिंग के दौरान इसमें से 15 वोट अभेद किए गए। फिर 710 वोटों में से जगदीप धनखड़ को 528 प्रथम वरीयता वोट मिले, वहीं मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।